नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती में मैं स्वप्निल वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेवे के लड्डू। जब हम मेवे के लड्डू की बात करते हैं तो हमारे जहन में लड्डू आते हैं या तो आटे की पंजीरी के साथ बने हुए या गुड़ के लड्डू। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेवे के लड्डू को हरे चने के साथ बनाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। तो आइए बनाते हैं इस अनूठे स्वाद वाले व्यंजन को, जिसका नाम है हरे चने के मेवे लड्डू। हरे चने के मेवा लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए हरे चने के दाने। यहाँ हमने आधा किलो हरे चने के दाने लिए हैं। हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे। यहाँ पर हमने 50-50 ग्राम के सभी मेवे लिए हैं। बादाम, इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। किशमिश के दाने, पिस्ते, इन्हें भी छोटा काट लीजिए, और काजू। इसके अलावा हमें चाहिए 150 ग्राम शक्कर यानी कि चीनी और करीब 200 ग्राम मावा यानी कि खोआ, कम से कम 150 ग्राम शुद्ध घी। सबसे पहले इन चने के दानों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इसमें थोड़ा पानी डालें, करीब आधा गिलास पानी मैंने डाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं। चने के दानों को पीस के हमने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। अब एक कढ़ाई में एक टेबल स्पून भर के घी डालें और इसे थोड़ा मेल्ट होने दें। घी मेल्ट हो चुका है, थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ये मेवे डालेंगे। सभी मेवों को हमें घी में अच्छा भूनना है। तो मैंने काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम सभी को घी में डाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। लगभग 3-4 मिनट मैंने इन मेवों को मध्यम आंच पे हल्का सा भून लिया है और इन्हें अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी और डाल रही हूँ। घी मेल्ट हो गया है, जो मेवे के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो इसी के अंदर हैं, कोई हर्ज नहीं है, साथ में भून जाएंगे। अब मैं इसमें घी चने का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब इसे मध्यम आंच पे हमको गुलाबी होने तक भूनना है। इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना पड़ेगा। इसमें से अच्छी खुशबू आने शुरू होने जानी चाहिए जब आप भूनेंगे इसे, तो इसका सारा कच्चापन निकल जाए। हमें तब तक इसे भूनना होता है। इसे भूनते हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा भून चुका है और इसमें से बहुत सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। ये अब भुन गया है। अब इस स्टेज में इसमें हम मावा मिलाएंगे। जो मावा हमने रखा हुआ है इसको इसमें हम डाल देते हैं। मावे को इस तरह से तोड़ते हुए आप डालें। इसमें मावा भी मिला दिया है। मावे के साथ मिक्स करते हैं और साथ साथ थोड़ा भूनेंगे। मावे को इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और करीब 3-4 मिनट हल्का भून भी लिया है। और अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ और चीनी को थोड़ा पिघलने दें। बस ये मटेरियल हमारा तैयार होने को ही है। बस चीनी हमारी पिघल जाए और मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स क्योंकि हमने पहले से ही भून के तल के रख लिए हैं, तो इसलिए हम इसको एंड में डालेंगे। इस लड्डू में ड्राई फ्रूट जरा से कुरकुरे करारे दांतों में लगते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हमने साथ साथ में नहीं भुना है वरना वो नरम पड़ जाते। चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें ये मेवे मिला रही हूँ। आंच को धीमी रखें और इन मेवों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें। सारे मेवे मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिए हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। मटेरियल को मैंने कढ़ाई से निकाल के एक प्लेट पे खाली कर लिया है, जैसे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर हम कढ़ा में ही रहने देंगे तो कढ़ाई बहुत गर्म है और इसकी कुकिंग चलती रहेगी, तो इसलिए उसको निकाल के एक प्लेट पे खाली कर लीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ये गुनगुना हो गया है, अब इसे लड्डू बन सकते हैं। तो आप इस तरह से हाथ में गोल गोल घुमाते हुए इसको लड्डू बनाएं। और जो घी मैंने इसमें डाला था
ये इस मिठाई की खासियत है कि ये घी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो मैंने घी इसमें डाला था, देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ तो घी सारा हाथ में छोड़ रहा है। तो एक बार जब ये पूरा भुन जाता है, पक जाता है, तो जितना भी घी आप डालते हैं ये सारा छोड़ देता है। तो लीजिए, तैयार है बहुत स्वादिष्ट हरे चने के मेवा लड्डू। दोस्तों, आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। हमारी सभी रेसिपीज हमारी वेबसाइट www.vyanjanbharti.com पर भी उपलब्ध है। अगली कड़ी में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।